हाय व्यूअर्स, एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें ये हॉर्सेस आप देख सकते हैं। इनको भी ये हिमाचल बैजनाथ का वीडियो मैंने शूट किया है, और इनको ट्रेडिशनल भाषा में हम लोग, ये भी शेफर्ड्स गधियों की तरह, इनको भी गधी कहा जाता है। और जनरली ये लोग जब कटान होता है लकड़ी का, तो जंगलों से जो लकड़ी की ढुलाई होती है, अपने हॉर्सेस पे ये लोग लकड़ी का सारा जो गट्ठे या काट के जो रखा होता है वुडन लॉग्स, उनको ढोते हैं। तो ये भी गधियों की तरह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैवल करके अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं। ये सामने आपको मोनेस्ट्री नज़र आ रही है, और ये बीड़ बिलिंग की पहाड़ियाँ, सामने बर्फ़ दिखाई दे रही है। और इस तरह से इनके ये ब्यूटीफुल हॉर्सेस, अभी हम इनसे बात करेंगे, इनके रहन सहन का तरीका, ये किस तरह से अपना पूरा जो शेड्यूल इनका पूरे साल का होता है, कहाँ ट्रैवल करते हैं, कहाँ हॉल्ट करते हैं, कितने टाइम के बीच में ये खाना बनाते हैं, या जो इनके वर्किंग आवर्स हैं वो क्या रहते हैं। इस तरह से ये इनका सामान आप देख सकते हैं, ये गर्म कपड़ा इनका, गर्म कोट, और ये इस तरह से बात करेंगे और जानेंगे ये क्या क्या सामान है ये इनके, ये सारा। और ये हमें सौभाग्य हमारा कि ये इस टाइम खाना बना रहे हैं, और हम लोग ऐसे टाइम पे इनका वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये भाई हमारे, जिनके सहयोग से हम लोग ये वीडियो बना पाए, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और ये भाई करसोग से अपने घर नूरपुर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि अपना फ़ोन दीजिए, मैं वीडियो शूट करना है, तो इन्होंने हमें अपना फ़ोन वीडियो शूट करने के लिए दिया। थैंक यू भाई साहब। ये देखिए, ये हॉर्सेस का आराम करने का तरीका, और ये बहुत ही सुंदर हॉर्सेस, ये इस तरह से हॉर्सेस कभी भी बैठते नहीं हैं, ये जनरली इस तरह से अपनी जो थकान है उसको दूर करते हैं। ये बहुत ही सुंदर इनके हॉर्सेस, ब्यूटीफुल हॉर्सेस। और ये देखिए कितने खूबसूरत घोड़े। तो ये इस तरह से लाइफ, एक जगह से दूसरी जगह अपने घोड़ों के साथ, और एक शांतिपूर्ण लाइफ जीते हैं। देखिए कितने मज़े से ये आसमान के नीचे अपना लंच की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? हाँ जी, मैनेजर। इनका नाम मैनेजर, देखो कितना बढ़िया नाम है इनका। और आपका? जितेंद्र। और ये हमारे कुक साहब हैं, क्या नाम है जी? हाँ जी, तुलसी राम जी। और ये देखिए तुलसी राम जी, बहुत ही सुंदर। ये ब्रोट के आलू, कहाँ क्या क्या बना रहे हैं जी? ब्रोट के आलू है। ये ब्रोट के, ब्रोट आपको बता दें कि जो ब्रोट है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, ट्राउट फार्म वहाँ पे है, और आलू वहाँ के बहुत ही मशहूर हैं, जो ऑल ओवर द इंडिया, या यूँ कहें कि वर्ल्ड में भी ब्रोट के आलू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस तरह से ये भी कुकर का इस्तेमाल करते हुए, और इस तरह से ये पानी लाते हैं, और ये लकड़ी, और इस तरह से इनके सारे बर्तन, ये एक तरह से ये इनका बेडिंग का सामान। ये आप कंबल देख रहे होंगे, ये भेड़ की ऊन से बनता है, और ये अगर बारिश में भी अगर इसको ढक लें तो पानी की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि पानी इसके अंदर जाए। और थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक का ये लोग भी आज की डेट में यूज़ करना शुरू कर दिए, ये सोलर लाइट का यूज़ करते हैं। ये इस तरह से ये आप देखेंगे, अगर इनके घोड़े कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करते हैं जहाँ किसानों की फसलें हैं, तो ये उनको मुंह में लगाते हैं ताकि प्रोटेक्शन हो सके। इस तरह से हॉर्सेस। और ये अब हम लोग थोड़ा सा इनसे पूछेंगे कि इनका ट्रैवलिंग शेड्यूल क्या रहता है, घर कब जाते हैं। तो ये मेरी बेटी है, हाय गौरी, और ये बड़ी उदास है कि सुबह से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं आज। और ये हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे इनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में। अच्छा, ये मैनेजर साहब से पूछेंगे हम लोग, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, बीड़ के साथ। अच्छा, लोकल ही हैं?
ये यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर भीड़ एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है आज की डेट में। अभी वर्ल्ड कप होना था यहाँ पे, बट ड्यू टू कोरोना वो नहीं हो पाया, सही है ना। तो आप लोग कब ट्रैवल करते हैं या पूरे साल कहाँ कहाँ जाते हैं? कभी सर्दी को नीचे जाते हैं। सर्दियों में कहाँ जाते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं, सिंहपुर में। अच्छा, और गर्मी में ऊपर जाते हैं बड़ा मुगा। अच्छा, ये सर्दियों में ट्रैवल करते हैं जो लोअर बेल्ट का हिमाचल है, और गर्मी में आप लोग ट्रैवल करते हो ये बड़ा बंगाल जगह पड़ती है। और वहाँ पे कितना पैदल आप लोगों को चलना पड़ता है? 3 दिन लगते हमारे, ये 3 दिन का ट्रैवल करके बड़ा बंगाल पहुँचते हैं। कितना जी? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करते हैं। और जो आपने घोड़े रखे हैं, इससे आपका आय का क्या, कैसे आप लोग कमाई करते हैं? अच्छा, एक एक जो अगर जंगल से लकड़ी का वो गट्ठा लाते हैं आप, ये जो भी लाते हैं, तो उसके कितने पैसे चार्ज करते हैं? उसका देख के होता है, कभी 400 होता है, कभी 500 होता है। अच्छा, तो एक दिन की अगर एवरेज काउंट करें हम लोग, तो एक दिन की एक घोड़ा आपको कितनी आमदनी देता है? कभी कभी 400-500 कमाता है, कभी 200-300 भी कमाता है इस तरह से। अच्छा, इस तरह से तो आप देखो कि इतनी इनकी हार्ड लाइफ है, मतलब धूप में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, इन लोगों को रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है। और घर कितने टाइम रहते हैं आप लोग घर में? हम अब 1-2 महीने रहता है। बच्चे और फैमिली कहाँ पे है? यहाँ भीड़ में रहते हैं बच्चे फैमिली। तो ये इस तरह से बड़ी एक नोबल, और इसको जिसको बोल सकते हैं आप, बड़ी ईमानदारी वाली ज़िंदगी जीते हैं, और ये पैसा बड़ी ईमानदारी से कमाते हैं। तो और इस तरह से जो रोटी का खाने का स्वाद है, वो शायद 5-star होटल्स की रोटी में भी नहीं मिल पाएगा। तो हमारी यही विश है कि ये लोग इसी तरह से अपने ट्रेडिशन को, एक तरह से ये ट्रेडिशन है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, बट ये लोग फिर भी अपने जानवरों से, अपना जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू इन्होंने रखा हुआ है। तो इस तरह से ये इनकी लाइफ है, इस तरह से ये लाइफ स्पेंड करते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? ऐसा तो नहीं लगता कि देखो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं और आप लोगों को इस तरह से करना पड़ रहा है, कि कोरोना ने आज की डेट में सबको सिखा दिया कि खानी तो रोटी है, अगर शांति की रोटी खाई जाए तो बहुत बेहतर है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा ये देखिए इनके हॉर्सेस, और किस तरह से प्यार से ये चल रहे हैं। और हम लोग विश करते हैं कि ये लोग खुश रहें लाइफ में, है ना, और इसी तरह से अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते रहें कुछ मॉडर्न चीज़ों के साथ, ताकि लाइफ को सुधारा जा सके। थैंक यू।